कैसे करें? थोड़ा भाव लाके अच्छी तरह से बिल्कुल बूढ़ी दादी की तरह करो कि तुम तो बिल्कुल ऐसे चली जा रही हो। पहले यश ये बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। अरे दीदी देखिए, हम लोग के विद्यालय में एकांकी का कार्यक्रम हो रहा है तो उसकी तैयारी कर रही है। देखिए बिल्कुल कर ही नहीं पा रही है कुछ। क्यों भैया, क्या साक्षी समस्या क्या है? इन्होंने हमसे कहा कि बूढ़ी दादी का खास केंद्र करो, लेकिन मैं खास कर नहीं पा रही हूँ। भाई अगर तुम्हें दादी की एक्टिंग करनी है, दादी का अभिनय करना है, तो भाई दादी की क्रियाओं का तो अनुकरण करना ही पड़ेगा। यही तो दादी जैसे करती है ना। नाटक होता है क्या है? नाटक होता है आप किसी की क्रियाओं का, किसी घटना का, परिस्थिति का अनुकरण करना। जैसा जो होता है उसे वैसे ही अभिनय में आप अभिनय करेंगे। जैसे मैं कह रही थी बूढ़ी दादी का खास कर। हाँ बिल्कुल, और इसी को तो अनुकरण कहते हैं। पहले ये बताइए, आपको पता है एकांकी नाटक होता क्या है जो आप अभिनय करने जा रहे हैं? हाँ दीदी, कुछ भाग के लिए कोई नाटक होना, कुछ समय के लिए। एकांकी नाटक किसे कहते हैं? ये मुझे दीदी आप बताइए। तो चलो फिर आज हम लोग आज एकांकी नाटक के बारे में ही जान जाते हैं, जिसमें तुम्हें करने में भी सुविधा रहेगी और आगे तुम अच्छे से उसको प्रस्तुत कर पाओगे। जी बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताइए कि जो नाटक होता है हमारा, वो क्या होता है, कैसे होता है? नाटक किसी चीज को प्रस्तुत करना करके, हाँ, किसी का अनुकरण करना। और वैसे तो बच्चे हमेशा अनुकरण करने में, नाटक करने में, अभिनय करने में बहुत तेज होते हैं ना। जैसे मीरा है कक्षा में अपनी सहेलियों की कितनी नकल बनाती रहती है। आप ही लोग हैं घर में मम्मी पापा के ना रहने पर आप एक दूसरे को मम्मी पापा बन के डांटते हैं। कभी किसी को टीचर बन के आप सताते हैं कि टीचर नहीं है, तो आप टीचर बन के जो है उसको उसका अभिनय कर रहे हैं। तो यही अनुकरण जो है वो अभिनय कहलाता है। और वैसे भी जो नाटक होता है, काव्येषु नाटक रम्यम नाटकांत कवित्वम, यानी जो नाटक है वो काव्य में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। हाँ। क्यों श्रेष्ठ माना गया है? क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है। नाटक जो है वो हमारे जीवन से, हमारे अपने आप से बहुत सीधा सीधा जुड़ा होता है। हाँ। हमारी जीवन की वास्तविकता को, हमारी यथार्थ को प्रकट करता है। हाँ। देखो जब तुम कभी कहानी पढ़ते हो या कविता पढ़ते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ता है, जो कुछ तुमने पढ़ा है, जो भी शब्द तुमने पढ़े, हाँ, उसको अपने दिमाग में अपनी कल्पना से उसका चित्र बनाते हो। हाँ। मान लो तुमने बारिश की कविता पढ़ी, हाँ, रिमझिम रिमझिम पानी बरसा, तो अब रिमझिम रिमझिम तुमने पढ़ा, उसको लाइन पढ़ी, हाँ, और फिर तुमने क्या किया, अपने दिमाग में कल्पना से उस बारिश का चित्र बनाया। लेकिन जब हम नाटक देखते हैं तो क्या होता है, उसमें हमें कुछ कल्पना से नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो पात्र होते हैं वो अपने अभिनय से, अपनी वेशभूषा से और अपनी जो रंगमंच की सज्जा, हाँ, होती है, जी, हाँ, जो उनके संवाद होते हैं, इन सब के माध्यम से, बोलने का तरीका, बोलने का ढंग, इन सब के माध्यम से वो सब कुछ, हाँ, प्रकट कर देते हैं। रामलीला भी तो एक नाटक ही है। बिल्कुल ठीक, जो रामलीला आप देखते हैं, रासलीला होती है कृष्ण, हाँ, जन्माष्टमी के आसपास, या आप नौटंकी देखते हैं, तमाशा है, महाराष्ट्र में होता है, जो वहाँ का लोक नाट्य है। इसी तरह से नुक्कड़ नाटक होते हैं, हाँ, आपके जो ये सारी चीजें हैं, ये सब नाटक की विधाएं कहलाती हैं। गीति नाट्य, ये सब नाटक की विधाएं हैं। नाटक के तरह तरह के प्रकार हैं और इन सब का माध्यम वही है कि आप अनुकरण के माध्यम से अपनी बात को दूसरों तक पहुँचा। नाटक तो नाटक होता है, तो उसमें अलग अलग अंग क्यों? नाटक तो नाटक होते हैं, सही बात है, लेकिन इसमें जो प्रस्तुतिकरण होती है, जो शैली होती है, ये अंतर हो जाती है। जैसे अभी हमने कई नाटक के भेद बताए हैं तुम्हें, तो उसमें नाटक के जो प्रकार हैं उनमें से है आधुनिक नाटक में जो एकांकी नाटक है उसके कई प्रकार होते हैं, जैसे गीति नाट्य, रेडियो नाटक और एकांकी नाटक। तो इसमें से जो गीति नाटक के बारे में हम बता रहे हैं, तो गीति नाटक में क्या है, जैसे तुमने कहा अंतर क्या होता है, ये प्रस्तुतिकरण का अंतर है। गीति नाट्य में जो संवाद होते हैं वो गद्य में ना होकर पद्य में हो जाते हैं, यानी कविता की लयात्मक कविता के माध्यम से गा गा के दो पात्र अपनी बातें कहते हैं, तो इसलिए गीति नाट्य हो जाता है। और रेडियो नाटक में क्या होता है कि इसमें हम अपनी बातों को, अपनी चीजों को सुन के सारी चीजें प्रस्तुत करते हैं। कभी तुम लोगों ने रेडियो नाटक सुना है? हाँ जी, और टीवी पे? टीवी पे देखा है, दूरदर्शन पे देखा है। अच्छा, तो दूरदर्शन के नाटकों और रेडियो के नाटक में कुछ फर्क लगता है? हाँ दीदी, उसको हम देख करके समझते हैं और उसको हम सुन करके सिर्फ अपनी छवि बनाते हैं उसकी। तो कौन सा तुम्हें ज्यादा सरल लगता है? टीवी का। क्यों? क्योंकि वो जल्दी याद हो जाता है देख करके, और सुनने में वो नहीं याद हो पाता उतनी अच्छी तरह से। तो इसीलिए जो नाटक होते हैं ना वो दृश्य काव्य कहे गए, क्योंकि हाँ, इसमें हम दृश्य के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं हमारी बातों को, हमारी चीजों को सामने मूर्त रूप में उपस्थित किया जाता है। जी।
और देखा भी गया जो चीज हमारे सामने प्रत्यक्ष होती है, मूर्त रूप में होती है, वो जल्दी समझ में आती है। हाँ जैसे तुम लोग बता रहे हो कि जो दूरदर्शन पे कार्यक्रम देखते हो, जो सीखते हो, वो जल्दी हाँ सीख लेते हो, समझ लेते हो, और रेडियो पे या किताबों के माध्यम से पढ़ते हो या सुनते हो, वो थोड़ा धीमे धीमे समझ में आती है, हाँ धीरे समझ में आती है। तो यही जो है ये नाटक, इसीलिए इसको दृश्य काव्य कहा जाता है। और ये दृश्य काव्य होने के लिए ही हमारे सीधे जुड़े रहते हैं हमारे जीवन से, हमारे उससे। और जो एकांकी नाटक होते हैं, इसका कारण क्या होता है? एकांकी नाटक नाटक का एक अंश, हाँ जैसे कि एकांकी का मतलब भाग, अगर तुम बताओ तो क्या होगा? एक भाग, एक भाग या एक भाग, हिस्सा या एक एक अंग। अंक, है ना? हाँ जी, तो जो एकांकी नाटक है, एकांकी नाटक कहानी की भांति ही एक घटना, एक परिस्थिति और एक उद्देश्य से बनता है। यानी एकांकी में एक ही किसी भी घटना या परिस्थिति का हम पूरी तरह से आकलन करते हैं। मान लो एक समस्या है, उस समस्या पे हमने शुरुआत की और उसी का समाधान प्रस्तुत करते करते एकांकी का अंत हो जाता है, यानी वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। तो इस एकांकी में, जैसे तुम कह रहे हो नाटक और एकांकी, जो नाटक होता है स्टेज पे जो हाँ हम लोग देखते हैं, और ये जो बड़े बड़े नाटक लिखे गए हैं, तो उनमें और एकांकी में फर्क यही होता है कि नाटक हमारे चूंकि व्यापक जीवन से जुड़ा होता है, तो उसमें कई पात्र होते हैं, कई घटनाएं होते हैं, कई अंक होते हैं, और उसमें समय भी ज्यादा लगता है। और आधुनिक समय में चूंकि समय की सीमा थोड़ी सबके पास कम है, इसलिए आजकल एकांकी को महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें सबसे कम समय लगता है और साथ ही साथ हम एक समस्या को उठाकर उसका समाधान प्रस्तुत कर देते हैं। इसमें हमें कम चरित्रों की यानी पात्रों की जरूरत भी कम पड़ती है, कम पात्र अपनी बात को हमें आसानी से समझा देते हैं, हाँ और किसी भी घटना को जब हम बताते हैं तो वो पूरी तरह से जो दर्शक है उनको समझ में आ हाँ जाती है। अच्छा ये बताइए, आप लोग ने कभी अभिनय किया है? हाँ दीदी, मैंने किया है, अपने विद्यालय में कई बार किया है, अभिनय किया है। अभिनय किया है। अभिनय करने में क्या होता है? अभिनय करने में बस मैंने किसी पात्र की वो निभाया था, पात्र की पात्र उसका अनुकरण करते हैं। अनुकरण मान लीजिए किया जैसे था। अगर आप पंडित जी का आपको पात्र हाँ मिला, तो आप पंडित की तरह ही वेशभूषा धारण करेंगे और पंडित की तरह ही बोलेंगे, हाँ पंडित की तरह ही बातें करेंगे, है हाँ ना? तो वही चीज होती है आपकी एकांकी और नाटकों में भी। एकांकी में आप कम पात्रों को कम समय में आप उसको अभिव्यक्त कर देते हैं। नाटक में जो है ना व्यापकता इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसमें हम सब चीजों को 4-5 घंटों के भीतर भी समेटना मुश्किल हो जाता हाँ है। दीदी, तो ये अंतर होता है दोनों में समय का, जहाँ एकांकी आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के अंदर समाप्त हो हाँ जाती है, जी 15 मिनट की भी एकांकी होती है, हाँ वही नाटक 3-4-5 घंटे तक चलते रहते हाँ हैं। और इसके अलावा पात्र इसमें कम होते हैं, और इसके हाँ अलावा जो दूसरी चीजें होती हैं वो होती है इसकी शैली। इसकी हाँ शैली जो है वो बहुत ही सीधी सादी और एकदम सरल होती है। इसमें जो नाटककार यानी एकांकीकार होते हैं वो अपनी बात को बिल्कुल सरल और सहज ढंग से पाठकों को समझा देते हैं। अच्छा और साथ ही जो नाटक होते हैं उसमें कई प्रासंगिक घटनाएं जुड़ी हुई होती हैं, यानी एक घटना से निकल के दूसरी घटना, दूसरी से तीसरी घटना, जबकि एकांकी में सिर्फ एक ही घटना प्रधान होती है। तो दीदी, और आप हम लोग को मदद करेंगी विद्यालय में एकांकी करने के लिए? बिल्कुल करेंगे। और एकांकी इसलिए भी सुविधाजनक है, जैसे तुम विद्यालय में करना चाह रहे हो, तो जब उसका मंचन करते हैं रंगमंच पे या कहीं स्टेज पे, तो वहां पर भी सुविधा होती है, क्योंकि तुम्हें स्टेज बार बार बदलना नहीं पड़ता। रंगमंच की जो हाँ वो पूरा तैयारी करनी पड़ती है, वो बार बार बदलना नहीं हाँ पड़ता है। आप जी एक ही बार एक ही देश काल में सारी पूरी समस्या का समाधान प्रस्तुत कर जी देते हैं। और इसीलिए इसमें संकलन त्रय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब ये संकलन त्रय क्या होता है? हाँ दीदी, सच में मैं भी यही सोच रहा था। त्रय का मतलब होता है तीन, और तीनों का संकलन यानी समावेश इस एकांकी में होना जरूरी होता है। वो होते हैं काल, कार्य और देश। यानी समय जो है वो हाँ एक ही होना चाहिए एकांकी का, यानी हाँ घटना का दीदी, समय एक हो, और उसमें जो देश हो यानी स्थिति जो हो, परिस्थितियां हो, वो भी एक हो, और जो कार्य यानी जो उद्देश्य हो उसका लक्ष्य हो, हाँ दीदी, वो भी एक हो। जब वो तीनों एक होंगे तो आप अपनी बात को आसानी से सामने वाले को समझा कह सके सकेंगे, ठीक है? और ये तो थी एकांकी की बात। और अब तुम्हारे विद्यालय में एकांकी की तैयारी तुम्हें हाँ करनी है दीदी अपने जी। उत्सव के लिए, तो अब हम लेकिन एकांकी तैयार करने के लिए तुम्हें उसके कुछ जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं एकांकी के, हाँ वो भी तो दीदी, पता होने चाहिए। हाँ दीदी, तो तुम ही बताइए। बताओ नाटक में या एकांकी में कौन से तत्व महत्वपूर्ण होते हैं? सोचो थोड़ा सा।
चलो हम ही बता देते हैं। एकांकी नाटक के प्रमुख तत्व क्या क्या होते हैं? पहली चीज होती है कथा वस्तु। कथा वस्तु मतलब जो कहानी है, ठीक है। दूसरा होते हैं उसके पात्र। पात्र यानी जो हमारे उसके एक्टर्स हैं, जो अभिनय कर रहे हैं, जो उस कहानी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और कहानी चूंकि अपने आप तो बोलती नहीं है नाटक में, कहानी को कहने के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? संवाद की, यानी डायलॉग्स का कथन। तो तीसरा उसका महत्वपूर्ण तत्व होता है संवाद। और फिर देशकाल यानी परिस्थिति, उसका उद्देश्य किस उद्देश्य से कहा जा रहा है। और छठी जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो है शैली। तो ये सारे नाटक के, एकांकी नाटक के प्रमुख तत्व होते हैं। तो अब तुम्हें तत्व भी पता चल गए, एकांकी नाटक क्या होता है ये भी पता चल गया। तो अब आप लोग नाटक जो तैयार कर रहे हैं उसमें कोई मुश्किल तो नहीं आएगी? नहीं।